दिल्ली कोचिंग में जिस तरीके का हादसा हुआ, उस हादसे के बाद पटना में भी पूरी तरीके से कोचिंग की जांच की जा रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग नजर आ रहा है। बीते दिनों में हमने आपको बताया था कि पटना डीएम ने तमाम कोचिंग सेंटर को लेकर जांच शुरू कर दी है कि कोई भी हादसा दिल्ली की तरह पटना पे ना होगा। अब इसी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। कल डीएम पूरी टीम को लेकर बहुत सारे कोचिंग सेंटर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छापेमारी की और कोचिंग संस्थानों की हालत देखी। और उन्होंने बताया कि कई कोचिंग संस्थानों की हालत बुरी है और देनी है। आपको बता दें कि कैला कैसे है, पटना में जिन्हें कोचिंग सेंटर का हब माना जाता है, जैसे बाजार समिति इलाका देख लीजिए, जितना पहाड़ी इलाका देख लीजिए या राजेंद्र नगर का इलाका, जगह कोचिंग सेंटर का हब है। एसडीएम अपनी टीम के साथ पटना वाले खान सर के यहाँ भी पहुँचे थे और वहाँ पर छापेमारी की। खान सर के जीएस कोचिंग सेंटर में जब टीम पहुँची तो वहाँ पर भी कई तरीके की कमियाँ पाई गई। पहले खान सर की कोचिंग में पहुँचते ही स्टाफ ने एसडीएम और उनकी टीम को खूब दौड़ाया, लेकिन क्लासरूम नहीं दिखाया। 30 जुलाई से पटना के कोचिंग सेंटरों पर गज के लिए शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल फेमस खान शक्ति क्लास में हजारों छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ये देखने के बाद जब एसडीएम बाहर निकले तो इन्होंने अपना क्या बयान दिया आपको दिखाते हैं। जांच कर रहे हैं मछुआ टोली से लेकर यहाँ बिकना पहाड़ी तक, तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जाँच किए है। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए है और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में ला के जमा। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन एंट्री एग्जिट फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। खान जीएस में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफी डेंजरस लग रहा है, तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे। कल कौन से मानक चेक कर रहे हैं? 4-5 मानक जो में? एक तो फायर का है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जी। फायर का एनओसी लेना पड़ता है सभी को, तो फायर का एनओसी हम चेक कर रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज का चेक कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कोचिंग का निबंधन होना बहुत जरूरी है वो हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके अलावा बायलॉज में जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोरेज में क्या आपको मिला क्या नहीं? किसान कोल्ड स्टोरेज यही है, किसान कोल्ड के नाम यहाँ पे क्या मिला, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है हजारों। इसमें अभी तो कोचिंग आप अधिकारी है नहीं, इसमें कोचिंग तो अभी बंद है, तो इसलिए हम लोग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो इस कोचिंग के संबंध में जितने भी कागजात है वो हमने उनको बोला है कि कल आकर हम लोगों को। किसी में एक बड़ी खबर बीच में आते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग हादसे की याचिका पर एक बड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सिविक बॉडी खुद ही दिवालिया है अपने कर्मचारियों को देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। कोर्ट ने ड्राइवर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते कहा एमसीडी इस मामले में दोष दूसरे पर मारने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसकी क्या जिम्मेदारी थी। आपको बता दें कि जैसे आप सभी जानते हैं मामला ओल्ड राजेंद्र नगर का है, जहां पर राउस कोचिंग सेंटर बेसमेंट में पानी भर जाता है जिसमें 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हुई है। उसके तुरंत बाद मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए थे। वहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि छात्रों ने पहले ही टीचरों को और एमसीडी को यह सूचित कर दिया था कि बेसमेंट में वाटरलॉग उनकी समस्या बढ़ती जा रही है, पर उसके बाद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 10 से 12 फीट पानी भर गया था जिसमें 3 छात्राओं की मौत हो गई। डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अतुल घर के मुताबिक घटना के वक्त 30 से 35 छात्र मौजूद थे जिनमें से 3 अंदर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों छात्रों को और शवों को निकाला गया। जिन अधिकारियों ने अपने दायित्व को नहीं निभाया उनसे उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन असली बात आपको बताऊं, ये सारे अधिकारी इसलिए काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा और भाजपा के एलजी के साथ प्राप्त है।
भाजपा के एलजी का आशीर्वाद प्राप्त है कि दिल्ली में जितना काम ना हो, लोग जितना दुखी हो, उतना भाजपा को फायदा, भाजपा को ऐसा लगता है। लेकिन दिल्ली वासियों को सच मालूम पड़ गया है, उन्हें सब पता लग गया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा और भाजपा के एलजी दोनों ने इस प्रकार के अधिकारियों को सहदे रखी है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, और अगर इनसे ना होता तो एलजी साहब इस्तीफा दे दीजिए। अब इसी मामले पर आगे सियासत भी जुड़ चुकी है, किसकी गलती है? बच्चों की कंप्लेंट के बाद भी एमसीडी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। आइए पक्ष और विपक्ष की बात भी सुनाते हैं आप। इस अत्यंत गंभीर विषय पे सदन में चर्चा रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार माननीय। माननीय सबसे पहले मैं अपने मित्र जो अब इस वक्त यहाँ नहीं है उनको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, हमने काम क्या किया। हमने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में 99.6% पाइपलाइन बिछा के पानी पहुँचाने का काम किया। हमने दिल्ली के 1031 अनाधिकृत कॉलोनियों में 4243 किलोमीटर नई सीवर लाइन डालने का काम किया। 2014 के बाद 3500 किलोमीटर पानी और 3100 किलोमीटर सीवर की पुरानी लाइनों को बदलने का काम किया। 7300 किलोमीटर पानी की नई पाइप लाने का डालने का काम किया। ये दिल्ली सरकार का काम है। मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र सांसद हमारे साथ किसी दिन समय निकालना चाहें तो चले और ये सारे आंकड़े हम उनके सामने रखेंगे। मैं बड़ी पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ सर, जो तीन बच्चे जिनकी जान गई है इस घटना में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। मैं प्रार्थना करता हूं नीट में जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, उन्होंने मजबूरी में आत्महत्या की, उनकी भी जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कोटा के अंदर जिन बच्चों की जान गई, सुइसाइड किया उन्होंने, उनकी आत्मा को भी प्रभु शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूं मणिपुर की हिंसा में एक साल के अंदर जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों को अपमानित किया गया है, इस सदन को उसके प्रति भी गंभीर होना चाहिए, उसके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। माननीय